को लगाएगा चलो मंदिर में, मन ही बोलेगा चलो मंदिर, मन नहीं मानेगा। मन का जब एक बार अभ्यस्त हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो मन ही आपको लेके जाएगा मंदिर में, भगवान का दर्शन कराने, एक तीर्थ में, भगवान की कथा में मन ही लगा है। लेकिन इस समय मन हमारा भी दुश्मन है, तो उस मन को अभी प्यार से जैसे तैसे उसको समझा बुझा करके हमको भगवान के सेवा में लगाना है। और यह जो अवस्था है बहुत ही कठिन अवस्था है हम लोग के लिए, इसको इस तरह से लगाना इतना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त लोग के लिए भी है बहुत कठिन विषय है मन को इस तरह से लगाना। आजीवन लगा, थोड़ा समय के लिए लगाना एक और बात है, लेकिन आजीवन इसमें लगाना ये बस की बात नहीं है। मन एक क्षण में फुल डाउन हो सकता है, एक क्षण के, एक क्षण में सारा किया धरा मिट्टी में मिला सकता है मन, ऐसा चीज। लेकिन भागवत में एक और बात भी कहा गया है, सांत्वना देने वाली बात है वास्तव में। यदि कोई गिर भी गया फिर भी फिर से उठ सकता है, कैसे? सत्संग के बाद। सत्संग एक ऐसा, सत्संग को कहा गया है या इस भागवत कथावार्ता को शरद ऋतु कहा गया है। बारिश में क्या होता है, सब जगह पानी पानी हो जाता है, सभी जगह कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और सांप भी अंदर घुस जाता है घर के अंदर, क्योंकि बाहर रहने का जगह होता नहीं है तो घर के अंदर घुस जाता है। बारिश में बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं और धक्का हो जाता है, जीवों के संग बढ़ जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जैसे शरद ऋतु आता है, बारिश के बाद में शरद ऋतु आता है, जैसे शरद ऋतु आता है पानी क्लीन होने लगता है अपने आप, सरोवरों का जो पानी है, नदियों का पानी जो है अपने आप क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है बिना प्रयास के। लेकिन बारिश के सीजन में आप कितना भी प्रयास करिए, वो बारिश आने के कारण वो गंदा हो जाता है। बारिश मूल रूप से जो ऊपर से जब आता है तो शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे जमीन के संपर्क में आता है गंदा हो जाता है। तो ये बारिश का ये हाल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो शरद ऋतु आता है वैसे सब कुछ पवित्र होने लगता है, साफ होने लगता है। तो ठीक उसी तरह से भागवत में कहा गया है, महात्माओं का जो मन है शुद्ध हो जाता है। और सत्संग, सत्संग एक शरद ऋतु के समान है। वो यदि हम गिर भी गए किसी कारणवश, किसी के असत्संग में आकर के हम फॉल डाउन हो गए, कुछ भी हो गए, कई बरस लग गए इस तरह से असत्संग में रहे, लेकिन फिर से हम सत्संग में आकर के हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, ये सांत्वना वाली बात है। तो नारद मुनि तो अभी इस समय बालक हैं और मुनियों का सेवा कर रहा है, आगे और श्लोक आएंगे इस तरह से उनका सत्संग लाभ करेगा। तो आज का श्लोक यही है कि वो इंद्रिय जय था, खेल कूद में उसका कोई इच्छा नहीं था, और इस तरह से मुनियों ने उसको, संतों ने बहुत अच्छा मौका जान करके उसको तरह तरह की कथाएं सुनाएं, उसको भक्ति करना सिखाया, किस तरह से हो रहा ये बात है। और
और कोई प्रश्न होगा या कमेंट होगा तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की भागवत कथाकार ब्रज गोविंद प्रभु हरिहरि बोल।